बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ धाम से, यहाँ एक खराब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर को M17 से बांध कर ले जाया जा रहा था, लेकिन हवा में चेन टूट गई और हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, M17 से ले जाया जा रहा था, हवा में चेन टूटने से ये पूरा हादसा हुआ है। तो केदारनाथ धाम से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो M17 से ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर, जो क्रैश हो गया। दरअसल हवा में चेन टूटने से ही पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, M17 से यह हेलीकॉप्टर ले जाया जा रहा था, जो क्रैश हो गया। हवा में चेन टूटने से ही पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, M17 से ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश, हवा में चेन टूटने से ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से यहां पर देखिए हवा में चेन के जरिए इसको बांध कर ले जाया जा रहा था, लेकिन यहां पर ये क्रैश हो जाता है हेलीकॉप्टर, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ का ये पूरा मामला है, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। दरअसल ये खराब था हेलीकॉप्टर, उसको ट्रेन की मदद से ही दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जा रहा था, यानी कि M17 की मदद से। हेलीकॉप्टर M17 की मदद से जैसे ही हवा में उड़ान भरी, यहाँ पर ट्रेन टूटती है और दूसरा जो ये खराब बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर, वो क्रैश हो गया। गोपालगंज में महावीर